Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So this is the lecture 4. Okay, now in previous three lectures we had found out magnetic field. Okay, in different cases, so अलग अलग current के configurations से, और उन हर एक केस में हमने magnetic field find out की थी. And magnetic field find out करने के लिए हम लोगों ने Bio Savart's law ही use किया था. Now, in this video, we are going to start off with something called as Ampere's law. See, Ampere's law क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. Ampere's law हम लोग क्यों यूज करते हैं? It helps to find out magnetic field in some special cases. जैसे Gauss law हम लोग यूज करते हैं ना, कुछ कुछ केसेस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाता है Gauss law से, उसी तरह से Ampere's law को यूज करके बहुत सारे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाता है. सो एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इन सम स्पेशल केसेस. ओके, नाउ एम्पियर्स लॉ होता क्या है? एम्पियर्स लॉ इज वेरी सिंपल. लेट्स से इफ यू हैव वन, एक ऐसा क्लोज लूप इमेजिन करो. ओके, नाउ इस लूप के अंदर से मान लो एक ऐसे करंट पास हो रहा है. यू हैव अ वायर दैट इज passing through this loop, okay, current I. So in this case, okay, इस केस में हम लोग एम्पियर्स लॉ को लिखते हैं ऐसे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई एनक्लोज्ड. ओके, नाउ बी डॉट डी एल एंड ये सर्कल है ना, वॉट डज दिस मीन? नाउ एक एक चीज हम लोग समझते हैं. So this is called as line integral. क्योंकि आप इंटीग्रेट करते वक्त आप ये लेंथ यूज कर रहे हो. ओके, गॉस लॉ में हम लोग एरिया कंसिडर करते, क्लोज सरफेस कंसिडर करते, तो दैट वॉज सरफेस इंटीग्रल. यहां पर आप क्लोज सरफेस नहीं, यहां पर आप क्लोज लूप कंसिडर करते हो, तो क्लोज है इसलिए यहां पर क्लोज ये सर्कल आ जाता है. And because you are integrating magnetic field along the length of this, so इसी आप इसको कहते हो line integral. Okay. Now B is basically, अब ये मान लो एक point है, तो यहां पर आपका dl vector ये direction में है. Okay. And मान लो यहां पर magnetic field vector शायद मान लो इस direction में, let's assume that it is in this direction. So in this case, when I say B dot dl, let's say this angle is theta, so it will be B into dl into cos theta, और इसको आप integrate करते जाओगे. ये जो आपका राइट हैंड साइड है आई एनक्लोज्ड, सो आई एनक्लोज्ड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ करंट क्रॉसिंग द लूप. ओके, सो आई एनक्लोज्ड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज क्रॉसिंग द लूप, कि इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज योर आई एनक्लोज्ड. ठीक है, आपका गॉस लॉ जो था वो भी ऐसा ही कुछ था ना, इट वॉज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो वहां पे चार्ज एनक्लोज्ड हम लोग यूज करते थे, यहां पे हम लोग करंट एनक्लोज्ड जो है वो यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब यहां पे लेट से यू हैव दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन. ये मान लो आपका लूप है, सो यू हैव करंट आई वन, यू हैव करंट आई टू, then you have current I3, then you have current I4, then you have current I5. Now in this case, अगर जो आप इस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई एनक्लोज्ड. अब कितना करंट इस लूप के अंदर से पास हो रहा है, ये आई फाइव तो हो नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो, आई फोर हो नहीं रहा है इसको छोड़ दो, इट इज आई वन आई टू एंड आई थ्री. अब आई वन एंड आई टू ये सेम डायरेक्शन में, आई थ्री अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप इसको लिखोगे आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ जब अप्लाई किया था तो हमने कहा था कि गॉस लॉ जो होता है दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो यहां पे ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, हम लोग
यूजुअली गॉस लॉ कब यूज करते हैं हम लोग? गॉस लॉ जो है वो ऐसे केसेस में यूज करते हैं, वी यूज गॉस लॉ इन दोज केसेस जहां पे आइदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट होती है ताकि आप इसको बाहर निकाल पाओ, या ई डॉट डी एस, समाउ ई और डी एस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली जीरो हो जाता है। तो सिमिलरली एम्पियर्स लॉ भी हम लोग ऐसे यूज करेंगे कि आइदर इन दोज केसेस जहां पे बी कॉन्स्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हो, या फिर जहां पे बी एंड डी एल जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये सीधा आपका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ऐसे दो केसेस में हम लोग ये यूजुअली एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। सो एम्पियर्स लॉ का अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। ओके, एम्पियर्स नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड नियर इन्फिनिटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो इफ यू हैव लॉन्ग, ऐसे बहुत बड़ी वायर है, ओके, एंड बहुत बड़ी वायर है इसके बाजू में, लेट्स से एट अ डिस्टेंस आर, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ बिकॉज इट इज इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर तो यू कैन रफली से ना ऊपर वाले साइड पे एंड नीचे वाले साइड पे, दोनों साइड पे वायर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो जितनी वायर ऊपर वाले साइड पे होगी उतनी ही वायर इसके नीचे वाले साइड पे भी होगी। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इफ द करंट इज गोइंग दिस वे, ओके, तो आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो? तो आप थंब, जो राइट हैंड साइड, राइट हैंड का जो थंब है उसको आप करंट के अलोंग पॉइंट करोगे, एंड यहां पे फिंगर्स को आप कर्ल करोगे। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इस वायर के राइट हैंड साइड पे फिंगर्स आपकी अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। ओके, नाउ इफ आई हैव टू शो इट टू यू, लेट मी थिंक, हाँ लेट मी डू इट दिस वे, एक मिनट। ओके, सो लेट से दिस इज योर करंट कैरिंग वायर, ये ऐसी स्ट्रेट वायर है। ओके, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना वो ऐसे क्लोज लूप में होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे क्लोज लूप में होगी। तो आप अगर जो ये यहां पे इस साइड पे अगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस बेल्ट, अलोंग द बेल्ट ऑफ दिस वॉच, ये ऐसे होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? सो यहां पे इफ आई मेक दिस क्लोज लूप, मान लो कि मैं इस तरह का यहां पे ये लूप बनाता हूं, ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, एट द सेम टाइम इफ आई कंसिडर अ स्मॉल डीएल वेक्टर ओवर हियर, ये डीएल वेक्टर भी जो है ये पेज के अंदर ही जा रहा है ना, आपका डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट देखोगे, मान लो आप ये वाला पॉइंट देखते हो, तो यहां पे आपका डीएल वेक्टर भी ऐसा है एंड यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी यही डायरेक्शन में है। तो एक तो सारे पॉइंट्स पे, इस लूप के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो आई कैन से सबसे पहले इस लूप को कहा जाता है एम्पीरियन लूप, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे गॉस लॉ में हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते थे वैसे ही आप यहां पे एम्पीरियन लूप बनाओगे। ओके, नाउ ये जो एम्पीरियन लूप है इसके लिए पहले तो एलएचएस निकालता है, विच इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल, बिकॉज बी एंड डीएल सारे पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में ही है तो इनटू कॉस जीरो मैं करूंगा।
So this is integral of B dot dl cos 0 is 1. Okay. अब ये वायर के रिस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स जो है वो इक्विडिस्टेंट है ना. इट्स एज गुड एज कि ये सर्कल है एंड वायर जो है सर्कल के सेंटर से पास हो रही है. तो बिकॉज इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स इस वायर से इक्विडिस्टेंट है तो इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी. द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी सेम. सो आई कैन से सिंस ऑल पॉइंट्स are equidistant and equivalent with respect to the wire. Okay, since all points are equidistant and equivalent with respect to the wire, I can say magnetic field is same at all points and all points. Now because magnetic field is same at all points, okay, I can take this B outside. So hamara integral kya ho jayega, LHS is equal to B bahar niklega, integral of DL which is equal to B. Aise sare chote 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 length vectors ko add karte jaoge, what you are going to get is circumference of this loop. So it is 2 pi r, right? अच्छा, अब RHS क्या होगा आपका? RHS V naught is equal to mu naught into I enclosed. This is mu naught into current जो यहां से पास हो रहा है, that is I. So mu naught into I. अब इन दोनों को equate करेंगे. So according to the Ampere's law, RHS and LHS are equal. So mu naught I is equal to B into 2 pi R. So magnetic field B is equal to mu naught I upon 2 pi R. So this is the magnetic field near infinitely long current carrying wire. Okay. अब finite length की wire है तो it is not that straightforward, but infinitely long wire है तो आप ये मान सकते हो कि इन सारे पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी. एंड जितनी वायर ऊपर है उतनी ही वायर नीचे होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉइंट पी यहां पे है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके, फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखा हुआ है, नियर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इतनी होती है. हमने उस टाइम पे देखो डिराइव नहीं किया था, हमने कहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल बनेगा, तो हमने उसको छोड़ दिया था उस टाइम पे, बस रिजल्ट लिख दिया था. यहां पे अब हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है. ठीक है, अब नाउ वी विल नेक्स्ट लुक एट समथिंग कॉल्ड एज टोरॉइड. वेन वी टॉक ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है आपको, सोलेनॉइड क्या होता है ये पता ही है, राइट? अब सोलेनॉइड स्टेट होता है, अब आप उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दो. ये जो है दिस इज टोरॉइड एंड इस पे आप ना वायर को ऐसे वूंड कर दो. ओके, नाउ लेट्स से द रेडियस ऑफ द टोरॉइड इज आर. ओके, फाइन. अब यहां से आप करंट पास करा रहे हो, अब आपको ना टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो बिकॉज ये सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट ही है ना, तो मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं. ये जो ग्रीन कलर के पेन से मैंने जो बनाया, दैट इज माय एम्पीरियन लूप. ओके, दिस इज एम्पीरियन लूप. अब हम लोगों ने सोलेनोइड के अंदर देखा था, सोलेनोइड के अंदर अगर जो ये आपकी वायर ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मान लो अगर जो आपका करंट ऐसे जा रहा है तो योर मैग्नेटिक फील्ड विल आइदर बी दिस वे, एंड अगर जो आपका करंट उल्टा आ रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड वुड बी दिस वे. सो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, ओके, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. सो बाय द सेम लॉजिक
यहां पे भी आप अगर जो कोई भी पॉइंट देते हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस, मतलब टेंजेंशियल होगी। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ओके। अब यहां पे इस पॉइंट पे अगर जो आप डीएल वेक्टर देखते हो तो डीएल वेक्टर जो आपका होगा वो भी तो ऐसा ही होगा। ये जो आपका डीएल वेक्टर है यहां पे वो भी तो ऐसा टेंजेंशियल ही होगा। दिस विल बी योर डीएल वेक्टर, करेक्ट। तो यहां पे हाउ कैन आई अप्लाई एम्पियर्स लॉ, ये एम्पियर्स लॉ अगर जो मुझे अप्लाई करना है तो इट विल अगेन बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ओके, फाइन। ओके, नाउ एलएचएस पहले फाइंड आउट करता है, तो आपका एलएचएस क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, सो इट इज बी इंटू डी एल, एंड बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में आपका कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो इज एनी वे वन। अच्छा, नेक्स्ट ये सारे पॉइंट्स जो है वो इक्विवेलेंट ही है ना, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी। तो अब बी को बाहर निकाल दो, तो बी को बाहर निकाल दोगे तो यू विल गेट दिस एज डी एल, एंड इंटीग्रल ऑफ डी एल वुड बी इक्वल टू, इन सारे छोटे छोटे लेंथ को एड करोगे तो यू विल गेट दिस एज टू पाई आर। ओके, अब हम लोग आर एच एस देखते हैं। आर एच एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है ना। इस लूप में से कितनी बार करंट यहां से पास हो रहा है? सी, हर एक टर्न के वजह से लूप में से एक बार करंट पास होता है, हर एक टर्न के वजह से, राइट। तो अगर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, तो n टाइम्स करंट इस लूप में से पास होगा। सो योर करंट एनक्लोज्ड वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू r। अब आई विल इक्वेट द टू साइड्स, अब दोनों साइड्स को इक्वेट करो तो व्हाट वुड हैपन, b इनटू टू पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू i। तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू i, this is divided by 2 pi r. Okay. Now if you see over here, n upon 2 pi r, अगर जो आप इतना section देखते हो तो n is basically total number of turns and 2 pi r is basically the total length. So n divided by 2 pi r, this is nothing but number of turns per unit length. Turns per unit length. इसको लिखा जाएगा स्मॉल n, सो योर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू i। आप बोलोगे कि इफ यू ऑब्जर्व दिस इज सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, तो ये लॉजिकल भी है क्योंकि हमने यही कहा था ना कि ये टॉरॉइड जो होता है इट्स एज गुड एज सोलेनोइड, को आप सर्कल में कन्वर्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा टॉरॉइड। तो दैट इज वाई योर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी जो है वो सेम आ रहा है, यू आर गेटिंग अ सेम एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। ओके, लेट से यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड inside the solid conducting wire. Okay, so let's say you have a wire. Yes, ये आपकी वायर है, ओके, ये पूरी सॉलिड वायर है, यहां से ही आपका करंट ऐसे पास हो रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से आपका करंट पास हो रहा है। लेट से दिस करंट इज आई, ओके, लेट से द रेडियस इज आर, एंड हम लोग ये मानते हैं कि दिस इज वेरी लॉन्ग, वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग, बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग ऊपर एंड नीचे वाले साइड पे, यू हैव मतलब इट इज, यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट इज सिमेट्रिकली लोकेटेड, क्योंकि
अमाउंट ऑफ फायर ऊपर एंड अमाउंट ऑफ फायर इसके नीचे वुड बी ऑलमोस्ट सेम, ओके, क्योंकि ये दोनों साइड से इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड हो रही है वायर इसलिए, ओके. ना ऐसे केस में हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे. करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, सो दैट इज आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर करंट डेंसिटी. अच्छा, अब मान लो कि आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो अगर जो आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक एन एम्पीरियन लूप. दिस विल बी योर एम्पीरियन लूप. लेट्स से आपको एट अ डिस्टेंस एक्स मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. नाउ बिकॉज ये लूप के सारे पॉइंट्स जो है दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड. आप समझ रहे हो, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, एंड सॉलिड सिलेंडर के अंदर आपने एक छोटा सा सेक्शन, मतलब आपने एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, ओके. तो बेसिकली इसके जो सारे पॉइंट्स है दे आर सिमेट्रिकली लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस वायर, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, करेक्ट. सो सिंस ऑल पॉइंट्स ऑन एम्पीरियन लूप आर सिमेट्रिकली लोकेटेड मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स. वैल्यू ऑफ बी एट इज द मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. ओके, हाँ, बिकॉज आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है एंड डीएल वेक्टर वुड अगेन बी इन द सेम डायरेक्शन. सो नाउ आई कैन से इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड. ओके, नाउ दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल, क्योंकि वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड. सिर्फ एम्पीरियन लूप से सारा करंट नहीं पास हो रहा है ना, बस इतना सा ही करंट, मतलब जो भी इस सेक्शन से करंट पास हो रहा है उतना ही तो एम्पीरियन लूप से करंट पास हो रहा है. तो हाउ विल यू फाइंड आउट द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस एरिया? इट इज इक्वल टू योर करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस, सो दैट इज पाई एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं. तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ डीएल. सो इस लूप के सारे छोटे छोटे लेंस को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये 2 पाई एक्स. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू पाई एक्स स्क्वायर इनटू जे कैन बी रिटन एज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो अब ये पाई और पाई कट हो जाएगा, एक एक्स कट हो जाएगा. So you will get magnetic field as mu naught I x divided by 2 pi r square. Capital R, हम लोग capital R यहां पर use कर रहे हैं, तो capital R. ठीक है. Now if you, so you can see that जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स डिवाइडेड बाय क्या आया था हमें रिजल्ट, 2 पाई आर स्क्वायर अब ये बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट, आपका एक्स ही वेरी कर रहा है ना. ये मान लो आपकी ये वायर है, अब दिस वाज योर एक्स. अब जैसे जैसे आगे आगे जाते जाओगे आपका एक्स जो है वो वेरी करता जाएगा, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही कांस्टेंट है.
If I have to plot a graph between x and magnetic field, you can see that I can write it this way, na, B is equal to k times x, where k is this constant mu naught I upon 2 pi r square. अब बी आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो तो y इज इक्वल टू k टाइम्स x, सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, सो नाउ आई कैन से एट द सेंटर ऑफ द वायर, मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, x की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी. x की वैल्यू जीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी. तो ये देखो, जब आपका x जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो, सो वॉट आई कैन से इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सॉलिड वायर इज जीरो. एक्सिस के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एंड जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाते जाओगे, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल इंक्रीज. ओके, अच्छा, ऑन द वायर, मतलब ये आपके वायर है, तो ऑन द वायर क्या होगा? फॉर पॉइंट्स ऑन द वायर, आपका एक्स इज इक्वल टू आर, करेक्ट? सो एक्स इज इक्वल टू आर, सो इफ आई पुट आर, दिस विल बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये आपको सिमिलर एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए भी आपको ऐसा ही एक्सप्रेशन मिल रहा था. सो दिस इज एट एक्स इक्वल टू आर, आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अब जैसे जैसे आप इस सॉलिड सिलेंडर से बाहर निकलना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? मान लो ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. अब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस x. तो आप यहां पे क्या करोगे? यहां पे आप वापस ये एम्पिरियन लूप बनाओगे. ओके, नाउ आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड यहां पे अगर जो आप सॉल्व करोगे तो योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी बी इंटू टू पाई एक्स, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एक्स करते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल. अब मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो बेसिकली ये आपको बी बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, राइट? हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, एंड सारे डीएल को ऐड करते जाओगे तो आपको ये सर्कमफेरेंस मिलेगा एम्पिरियन लूप का, दैट इज 2 पाई एक्स. आपका राइट हैंड साइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड. सी, अब ये जो आपका करंट आई है वो सारा का सारा वायर से पास हो रहा है, और ये सारी की सारी वायर इस एम्पिरियन लूप के अंदर है ना, तो आई कैन से एंटायर करंट इज पासिंग थ्रू दिस एम्पिरियन लूप. सो म्यू नॉट इनटू आई, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स. दिस इज सेम एज द फॉर्मूला फॉर इंफिनाइटली लॉन्ग वायर. आप ही देखते जाओ, जैसे जैसे अब x बढ़ता जाएगा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाएगी. सो आप जैसे ही वायर के बाहर निकलोगे, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एंड यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड वायर. अब कई बार इसमें क्या वेरिएशंस होंगे, यहां पे वेरिएशंस, जैसे हम लोग करंट डेंसिटी कांस्टेंट मान रहे हैं ना, तो शायद करंट डेंसिटी में ये लोग कुछ वेरिएशंस दे दे. ओके,
तो जे जो हम लोगों ने आई अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है उसके जगह पे दे विल गिव यू जे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको बस यहां पे वो पुट करना है, ठीक है? या मतलब उस डायरेक्टली पुट नहीं, आपको बस पहले तो वो फाइंड आउट करना होगा, टोटल करंट फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो ऐसे केस में आप टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करोगे पता है? हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल करंट? इट इज करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे इनटू डी ए। यू विल कंसिडर अ स्मॉल रिंग, एक ऐसा छोटा सा रिंग कंसिडर करोगे। ओके, इस छोटे से रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? इस छोटे से रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, वो पुट करोगे। जे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है वो पुट करोगे, एंड यूजिंग दिस यू विल फाइंड आउट करंट एनक्लोज्ड। एक बार आपको करंट एनक्लोज्ड मिल जाता है फिर आप राइट हैंड साइड, सो देन यू विल पुट दैट करंट एनक्लोज्ड दिस वैल्यू, यू विल पुट इट ओवर हियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यू विल नो हाउ टू डू इट। ओके फाइन, वॉट इफ यू हैव अ हॉलो वायर? मान लो इफ यू हैव अ हॉलो वायर, तो करंट जो है वो अंदर से पास हो ही नहीं रहा ना, करंट बस ये एजेस से ही पास हो रहा है। तो अगर जो आपको किसी अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां पे एम्पिरियन लूप बनाओ। अब वंस यू मेक एम्पिरियन लूप, तो आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अच्छा, लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको वापस बी इंटू 2 पाई एक्स आएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। वॉट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस? इसके अंदर से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा ना, करंट तो बस वो हॉलो है ये वायर, तो करंट जो है वो बस वो वॉल से ही पास होगा। तो बिकॉज योर करंट इज नॉट पासिंग थ्रू दिस लूप, इस लूप के अंदर से कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, तो आपका आई एनक्लोज जो होगा दैट विल बी जीरो। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इनसाइड द हॉलो वायर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो वायर इज जीरो। आउटसाइड द हॉलो वायर आप जैसे नॉर्मली करते हो आप वैसे ही करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द हॉलो वायर विल बी गिवन बाय दिस सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, ये सारे रिजल्ट जो आज हम लोगों ने किए हैं प्लीज खुद से स्मूथली निकाल के देखो, स्मूथली निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन प्लीज डिराइव दीज रिजल्ट अगेन। ओके, चलो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर। बाय एवरीवन।